सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लेने वाली प्रथम महिला। इनका हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में एक विशेष स्थान है। ये राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में सम्मानित हैं। इन्हें अमरत्व प्रदान करने वाली ऐतिहासिक कविता है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सब नहीं पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। जन जागरण की मशाल ये कविता आज भी अपनी अलग पहचान रखती है। देशभक्ति के साथ साथ इनकी कविताओं में मातृत्व के निश्चल सहज अनुभव हैं, तो दूसरी ओर इनके विद्रोही स्वभाव में समाज की बुराइयों रूढ़ियों का तीव्र विरोध करने का अदम्य साहस था। परिवार, समाज, देश सेवा और काव्य, कितना कुछ समाहित था उस एक अकेले व्यक्तित्व में। हर व्यक्तित्व की एक कहानी होती है और उसकी शुरुआत भी। सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और मां धीराज कुंवरी। इनका बड़ा बेटा राम अवतार सिंह, छोटा बेटा राम प्रसाद सिंह और सबसे छोटा बेटा राज बहादुर सिंह। इनकी 5 बहनें थीं। सुभद्रा जी इनमें से एक थीं। उस समय का समाज पिछड़ा हुआ था। छोटी उम्र से ही लड़की का घर से निकलना, झूला झूलना, छत पर जाना, इस सब की मनाही थी। पर राज बहादुर सिंह यानी छोटे भैया अपनी सब बहनों को पढ़ाना चाहते थे। उनकी प्रेरणा से ही बहनों में कविताएं लिखने की प्रतिभा अंकुरित हुई। ये बात है सन 1913 की। सुभद्रा जी तब सिर्फ 9 साल की थीं जब इनकी पहली कविता नीम मर्यादा पत्रिका में छपी सुभद्रा कुंवरी के नाम से। इस तरह से इनके जीवन में कविताएं लिखने और पत्र पत्रिकाओं में छपने की शुरुआत हुई। इन्हीं दिनों सुभद्रा जी अपनी बहनों के साथ क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाने लगी। सुभद्रा जी इक्की पर आते जाते कविताएं लिखती। सन 1917 से सुभद्रा जी उसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहने लगी। वहां महादेवी वर्मा जी भी पढ़ने के लिए आईं और दोनों अभिन्न सखियां बन गईं। दोनों कविताएं लिखती थीं, पर दोनों की कविताओं में बहुत अंतर था। सुभद्रा जी की कविताओं में सरल सहज लोक जीवन की भाषा, महादेवी जी की कविताओं में थी अंतर्मुखी रहस्यमय शैली। पर मित्रता दोनों कवयित्रियों ने अंत तक निभाई। 20 फरवरी 1919 को इनका विवाह लेखक लक्ष्मण सिंह से हुआ। विवाह बिना दहेज के, बिना घूंघट के बहुत साधारण ढंग से संपन्न हुआ था।
लक्ष्मण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे मैथिली शरण गुप्त की देशभक्ति की रचनाएं पढ़ते और सुनते, कांग्रेस के कार्यों में स्वयं सेवक बनकर हिस्सा लेते थे। सुभद्रा जी में देश प्रेम जगाने और लेखन में रुचि पैदा करने में लक्ष्मण सिंह ने पूरा सहयोग दिया। ये समय था आजादी के संघर्ष का, राजनीतिक उथल पुथल का। उन दिनों अंग्रेज सरकार भारतीयों के दमन के लिए नए नए तरीके अपना रही थी। इस सरकार ने सन 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसके विरोध में जब 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाले बाग में सभा हो रही थी, तो वहां ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। तब सारा देश दहल उठा, प्रबल आक्रोश था हर क्रांतिकारी के हृदय में। सुभद्रा जी इस घटना से बहुत आहत हुई। इसका दर्द अभिव्यक्त हुआ उनकी जलियांवाले बाग में बसंत कविता में। यहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाह यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना। इस अत्याचार के विरुद्ध लोगों में आक्रोश असहयोग आंदोलन के रूप में उभरा। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लक्ष्मण सिंह और सुभद्रा जी ने भी पढ़ाई छोड़ दी, दोनों ने देश सेवा का व्रत लिया। 1920 में दोनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। सुभद्रा जी स्त्रियों में संघर्ष का संदेश, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, पर्दा छोड़ना, छुआछूत की भावनाओं के बहिष्कार को बढ़ावा दे रही थीं। इन्हीं दिनों माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर में कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। लक्ष्मण सिंह इसके संपादन का कार्य करते थे। तब सुभद्रा जी का भी साहित्यकारों से परिचय होता था और उनके लेखों और रचनाओं को पढ़ने का अवसर सुभद्रा जी को मिलता था। दिसंबर 1921 में सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में गए, जहां गांधी जी से सुभद्रा जी का परिचय हुआ। साबरमती से जबलपुर पहुंचकर फिर सुभद्रा जी ने कांग्रेस के प्रसार प्रचार का कार्य संभाला। लक्ष्मण सिंह ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। दोनों साइकिल पर कांग्रेस का कार्य करते। कभी कभी सुभद्रा जी अपने पति के साथ साइकिल पर 14 किलोमीटर की दूरी तय करके भेड़ाघाट घूमने के लिए जाती। शायद वहां से ही मिला होगा उन्हें रूढ़ियों को तोड़ने वाला चट्टान जैसा मन, जिसके अंतस में बहती थी ममता और करुणा की सुकोमल भावधाराएं। सन 1922 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में म्युनिसिपल कमेटी से शुरू किया गया। ये था जबलपुर का पहला झंडा सत्याग्रह और सुभद्रा जी बनी पहली महिला सत्याग्रही। जबलपुर के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया नागपुर में। असहयोग आश्रम से सत्याग्रही जलूस में निकलते और गिरफ्तार कर लिए जाते। कांग्रेस द्वारा जगह जगह सभाएं की जाती, भाषण दिए जाते। नागपुर की विधानसभा का टाउन हॉल सुभद्रा जी का भाषण सुनने के लिए खचाखच भर जाता।
सुभद्रा जी अपने भाषण के बीच बीच में जोश से भरी कविताएं सुनाती थीं, जैसे झांसी की रानी। मेरी उम्र रही होगी 20 साल जब मुझे पहली बार ये कविता नवीं कक्षा की लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिला, तो उस अवसर पर मेरे दिमाग में ये बात कौंध गई कि इससे ज्यादा जबरदस्त शुरुआत मुझे जीवन में किसी कृति की दिखने वाली नहीं है। कोई भूमिका नहीं, कोई माल्यार्पण नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो कथ्य है उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ बगैर किसी भूमिका के उद्घाटित करने वाली पंक्ति है। जो दूसरी पंक्ति का आशय है वो इसकी शुरुआत से प्रकट हो जाता है कि एक जिस तरीके से ये कविता शुरू होती है और आप इसकी चौथी पंक्ति तक आते आते एकदम डूब जाते हैं एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर आसमान फट गया है और आपको लगता है कि कोई ध्यान देने लायक घटना घट गई है। ये आप समूची कविता अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये कविता हिंदी के एक बहुत प्रांजल रूप का हमारे सामने एक बड़ा निराला उदाहरण रखती है। और जहाँ तक अलंकार शास्त्र की, ध्वनि शास्त्र की, बिंबों के की रचना की बात है, या कि अगर आप इसको कहानी की कला के हिसाब से तौलें तो जो गति का सवाल है, इन सभी पैमानों पर ये कविता एक लेखक के रूप में मुझे हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती है। उनकी ये कविता जब्त कर ली गई थी। फिर एक बेटी का जन्म, जैसे इनका बचपन लौट आया था। ये मातृत्व बदलाव लाया इनकी काव्यधारा में भी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे बच्चे, बहुत सुंदर कविता उनकी है। उसका भाव यह है कि एक बच्ची का आना मानो मेरे लिए बचपन का लौट आना है। तो जो बचपन चला गया उसके लौट आने को एक बच्ची के रूप में अपने आंगन में महसूस कर रही हैं। अब ये लौट आना एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी है। जो हमारी आज़ादी चली गई थी, जो हमारे आंगन का वो जो स्वाधीनता का एक फलता फूलता पौधा सूख रहा था औपनिवेशिक साम्राज्य के आने से, वह अब लौटने वाला है। जैसे बच्ची आई है जीवन में, परिवार में एक मेरे गए हुए बचपन को वापस लाने का एहसास करा रही है, ऐसे ही मेरे देश के आंगन से जो कुछ चला गया था वह वापस आने की एक आकांक्षा इस कविता में प्रकट होती है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं लिखी जो बच्चों के साहित्य की अनमोल धरोहर हैं, जैसे कोयल, पानी और धूप, खिलौने वाला, कदंब का पेड़, सभा का खेल, अजय की पाठशाला इत्यादि। कदंब का पेड़ आज भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है। ये कविता उनकी बालचित वृत्तियों की परख का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह कदंब का पेड़ अगर माँ होता जमुना तेरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। उन्होंने जितनी सुंदर कविताएं लिखी उतना ही सुंदर उन्होंने गद्य साहित्य कथा साहित्य लिखा। उनके कथा साहित्य का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि उनके पास एक निश्चित कार्यक्रम था। उनके सरोकार बड़े व्यापक थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में वे सक्रिय रूप से भाग भी लेती रहीं और उस भावना को कविता के माध्यम से वाणी भी देती रहीं। इसके अतिरिक्त स्त्रियों का उद्धार और उसके साथ साथ दलितों का उद्धार भी उनके एजेंडा पर बहुत प्रमुख जगह रखते हैं। उनकी तमाम कहानियाँ स्त्रियों के दुख दर्द से प्रेरित हैं। उनके अपने प्रयास निजी जीवन में और उनकी रचनाएं दलितों के बारे में गहरी संवेदना और सरोकार का परिचय देती हैं। सन 1928 में
इलाहाबाद से सुभद्रा जी की कविताओं का संग्रह मुकुल प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेख सरिया पुरस्कार दिया गया। उस समय यह पुरस्कार महिला लेखिकाओं के लिए निश्चित किया गया था। इनका काव्य लेखन आजादी के संघर्ष से जूझते हुए भी निरंतर गतिशील रहा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी यात्रा से। इधर जबलपुर में लक्ष्मण सिंह ने एक आम सभा में जनता का आह्वान किया और गिरफ्तार किए गए। इसी दौरान सुभद्रा जी ने सामाजिक सच्चाइयां उभारने वाली कहानियां लिखी। कहानी संग्रह का नाम था बिखरे मोती। इसे भी हिंदी साहित्य की ओर से शेख सरिया पुरस्कार दिया गया। उनकी कहानियां पाठक की उंगली पकड़कर हर दृश्य की सहजता का भागीदार बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। उनकी कहानियों के एहसास को नए अंदाज में समझा भी गया है। उनका तेज इस प्रकार का था कि शायद 2021 में जो पहली महिला असहयोग करने वाली नेता थी और जेल जाने वाली पहली स्त्री असहयोग कार्यकर्ता वो सुभद्रा जी थी। तो सक्रिय स्वाधीनता आंदोलन में और सक्रिय रचनात्मक साहित्य में एक साथ उन्होंने प्रगति किया। और ये चीज़ आज जब स्त्री मुक्ति के आंदोलन दुनिया भर में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान जैसे पिछड़े हुए समाजों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तब इस चीज़ का महत्व और इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा हमारे लिए हो जाती है। 1932 में अछूतोद्धार की समस्या के निदान के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गांधी जी पूरे देश के दौरे पर निकल पड़े। जबलपुर भी आए। सुभद्रा जी ने इसका संदेश घर घर पहुंचाया। सन 1936 में ये विधानसभा की सदस्या चुन ली गई थी, जिसकी पुष्टि सरदार पटेल ने एक पत्र से की थी। जबलपुर में सुभद्रा जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में वे अकेली राजनीतिक बंदिनी थीं। उनकी जेल की डायरी में कुछ इस तरह का सच लिखा था। आज लालटेन में तेल नहीं है, कुछ न लिख सकूंगी। मैं जल्दी जल्दी कुछ लिख देना चाहती हूं, क्योंकि लालटेन दम तोड़े दे रही है। आज भी करीब करीब कई मानों में उसी प्रकार के परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के संदर्भ में श्रीमती सुभद्रा बाई चौहान ने अपना संघर्ष किया था। कविताओं की श्रृंखला से पता चलता है कि प्राय उन्होंने प्रत्येक मानवीय पहलू को छुआ है, चाहे वो वात्सल्य का हो, करुणा का हो, पारिवारिक संबंधों का हो, और सब में वही निश्चल चरित्र झलकता है। राष्ट्र को ऐसे ही महान व्यक्तियों की प्रेरणा की आज आवश्यकता है। 1945 में सुभद्रा जी फिर विधानसभा की सदस्या चुन ली गईं। समाज के कार्यों को पूरा करने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। पर नियति को कुछ और मंजूर था। 15 फरवरी 1948 के दिन नागपुर में शिक्षा विभाग की सभा में शामिल होने के बाद जबलपुर लौटते हुए मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। 1949 में जबलपुर शहर में नगर पालिका भवन के प्रांगण में उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। तब महादेवी जी ने कहा था, नदियों का कोई स्मारक नहीं होता, दीपक की लौ को
सोने से मर दीजिए, इससे क्या होगा? हम सुभद्रा के संदेश को दूर दूर तक फैलाएं और आचरण में उनके महत्व को मानें, यही असली स्मारक है। उनका लेखन केवल साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट है ऐसा नहीं है, उसमें जो उनकी सामाजिक चिंताएं हैं, विशेष करके जो महिलाओं के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति जो उनकी सजगता है, वो आज जो 50, 60, 70 वर्ष बाद जो नया चिंतन सामने आ रहा है, उसमें से कई चीज़ों की उन्होंने इसके पहले ही चिंता व्यक्त की थी और उसको उसके लिए जागृति के लिए उन्होंने सोचा था। सुभद्रा जी जैसी कोई दूसरी लेखिका नहीं है जिन्होंने उस दौर में महिलाओं की करुणा को, उनकी पीड़ा को, उनकी सहृदयता को आवाज दी हो। हम जब उन्हें याद करते हैं तो एक पूरा प्रसंग याद आता है इतने वर्षों का। कम अवधि तक वे जिंदा रहीं, लेकिन जितने दिन रहीं उनका काम यश से भरा हुआ है और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु के बाद हिंदी के दो बड़े कवियों ने जो ट्रिब्यूट किया है, जो श्रद्धांजलि दी है, एक शमशेर जी ने और दूसरी मुक्तिबोध जी ने, तो वो दोनों अद्भुत हैं। मतलब एक प्रेम और सौंदर्य का कवि उनको उसी ताप से याद करता है और दूसरी तरफ प्रतिबद्धता, वैचारिक कठोरता का मुक्तिबोध जैसा कवि भी उनको उसी तरह से याद करता है। सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही हमको मिलती है कि उन्होंने ऐसी सुंदर कविता लिखी जो कि झांसी की रानी, जो कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है और जो कि हम सबों को इस टाइम में, इस भारतवर्ष में जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, राष्ट्रीय चेतना। हम सब एक राष्ट्र हैं और अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहें और बहादुरी से जीवन व्यतीत करें, और यही इस टाइम की चेतना है जो कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था उस टाइम में, जो एक, एक, एक पहली स्त्री होते हुए, जो फर्स्ट स्त्री थी जो कि वो कविता के लाइन में मेरा ख्याल आई, जो उन्होंने राष्ट्र को, और उनको हम हृदय से प्रणाम करते। सुभद्रा जी एक साधारण व्यक्तित्व में संजोए असाधारण गुण, सादगी और ममता की पहचान, एक ईमानदार देशभक्त, समाज सुधारक, कर्म के प्रति अटूट आस्थावान, एक उत्कृष्ट कवयित्री। आज जरूरत है हमें सुभद्रा जी के पद चिन्हों पर चलने की। आजादी के मायने एक बार फिर से समझने की और एक मशाल बनकर देश के वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने की।